जड़त्व क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके उदाहरण क्या क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। किसी भी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह बाहरी बल की अनुपस्थिति में, मतलब उस समय जब उस पर कोई बाहरी बल ना लग रहा हो, तो वह अपनी विराम अवस्था में या गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। मतलब अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दें। वस्तु का यह गुण कहलाता है उसका जड़त्व या इनर्शिया। अब डेफिनेटली जब हम बात कर रहे हैं विराम अवस्था या गति की अवस्था की, तो जड़त्व भी दो प्रकार का होगा। एक होता है विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए, अब इन तीन लाइनों को देखिएगा और यहाँ इन तीन लाइनों को देखिएगा। मैंने जड़त्व की परिभाषा से ही विराम के जड़त्व की परिभाषा बनाई है। देखिए कि किसी वस्तु का हुआ गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। यहाँ से आपने क्या किया, ये या गति की शब्द हटा दिया है, तो ये विराम का जड़त्व की डेफिनेशन बन गई है। मतलब वस्तु का हुआ गुण जिसमें अगर वो विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल न लगा दें, तो इसे कहते हैं विराम का जड़त्व। इसका एक बढ़िया उदाहरण ये है कि जब हम बस स्टैंड पर या किसी जगह अगर कोई गाड़ी खड़ी है और उसमें हम बैठे हैं और वो गाड़ी एकाएक चल दे, तो क्या होगा, हम उसमें पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, या पीछे की ओर गिरने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एकाएक गाड़ी चलती है तो हमारे शरीर का जो निचला भाग होता है वो क्या होता है, गाड़ी के साथ गतिशील हो जाता है, क्योंकि वो गाड़ी के सीधे संपर्क में होता है। परंतु हमारे शरीर का जो ऊपरी भाग होता है वो तो गाड़ी के सीधे संपर्क में नहीं होता, तो वो क्या होता है कि विराम के जड़त्व के कारण कौन सी अवस्था में रहेगा, विराम अवस्था में ही रहेगा, तो वो किधर जाएगा, पीछे की ओर चला जाएगा। विराम के जड़त्व का और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे जो फल हैं वो विराम के जड़त्व के कारण क्या होंगे, नीचे की ओर गिर जाएंगे। या कंबल को क्या करें, छड़ से पीटें तो क्या होगा, धूल के कण कहाँ गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि कंबल तो गति की अवस्था में आ जाता है परंतु उसमें धूल के कण जो होते हैं वो विराम अवस्था में ही रहते हैं, तो वो ऐसे कैसे कहाँ सीधे कहाँ गिरने लगेंगे, नीचे की ओर गिरने लगेंगे। और अगर दूसरे जड़त्व की बात करें तो वो है गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ये डेफिनेशन भी मैंने यहीं से ली है, जहाँ विराम अवस्था या शब्द लिखा था उसको हटा दिया, तो ये केवल गति की अवस्था से ऐसा कैसा मैंने उतार लिया है। तो इस पूरी डेफिनेशन को ऐसा कैसा उतार लें तो गति का जड़त्व बन जाएगा कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण बिल्कुल मोटर कार का ही दे सकते हैं कि आप बस में बैठे हैं या कार में बैठे हैं या गाड़ी में बैठे हैं और वह तेज़ी से जा रही है कहीं, और एकाएक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तो आप क्या होगा, आगे की ओर झुक जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम भी बस के साथ गतिशील होते हैं, तो हमारे शरीर का जो निचला भाग है वो ब्रेक लगाने पर रुक जाता है क्योंकि वो गाड़ी के सीधे संपर्क में होता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जो गाड़ी के सीधे संपर्क में नहीं है वो तो जड़त्व के कारण कौन सी अवस्था में रहेगा, गति की अवस्था में ही रहेगा, तो वो फिर किधर झुक जाएगा, आगे की ओर झुक जाएगा। तो ये हमारे गति के जड़त्व का एग्जाम्पल हो गया। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से विराम के जड़त्व और गति के जड़त्व को बता सकते हैं। गति के जड़त्व में हम ये भी बता सकते हैं कि लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर पहले से दौड़कर आकर छलांग लगाते हैं, तो उससे क्या होगा कि छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी पर दौड़ने से खिलाड़ी में गति का जड़त्व आ जाएगा, जिससे वह अधिक लंबाई तक छलांग लगा पाएगा। धन्यवाद।